पर सेंथिल पे वार मारने की प्लानिंग तुम लोग की थी, कोई और भी ये काम कर सकता था। लेकिन क्रेडिट तेरे को जाता है, मेरा एक भी छोकरा सेंथिल को छू भी नहीं पाया, मौका तो तूने छीन लिया। अपन ठीक से वार भी नहीं पीना पाया। ए, उसको चंदन की लकड़ी में जलाता ना तो और महक जाता हो, उसकी विदाई हीरो की तरह होती है, जगह जगह उसके स्टैचू बन जाते। अभी तूने उसको अपाइज बना डाला तो सोते जागते खाते पीते हकते मुते वो मेरे को याद करेगा। आगे से कोई भी मेरे से आड़ा फटने से पहले 10 बार सोचेगा कि इससे मचमच किए तो अपनी भी ये हालत होगी। अपने पास काम धंधे बहुत है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, देसी दारू के अड्डे, अपने कंट्रोल में। तू अपुन के साथ आ जा, अपुन है, वेलू है और तीसरा हिस्सा तेरा। नहीं भाई, बचपन से अपुन कैरम का प्लेयर बनना चाहता था। अपुन की माँ ने ब्लाउज का सिलाई कर करके अपन को पाला, अभी अपुन उसको आराम देगा। अपन उसको तराजू में रख के सोने के वजन के बराबर तो नहीं तोल सकता, लेकिन उसको 2 वक्त का घी में तला हुआ पराठा खिलाने का औकात रखता है। जब से अपन ने सेंथिल को मारा तब से अपन का जमीर लड़ाई कर रहा है कि अपन ने बहुत गलत किया। बेटा ये केरम पे एक बाल्टी पानी डाल दे और अपन के साथ में आ जा। भाई अपन को केरम से प्रेम है, अपन केरम खेल के अपन की जिंदगी संवारेगा। अपन को जाने दो भाई, रुद्रा भाई भी अपन से रिक्वेस्ट कर रहे कि अपन केरम क्लब को संभाले और अपन भी वही चाहते हैं। अरे यहाँ चाकू पकड़ने की लोगों को तमीज नहीं है और बोल वचन करते हैं, लेकिन तेरे अंदर इतनी डेरिंग है कि तू बिना चाकू के बड़े बड़ों की पैंट गीली कर देवे। भाई ये गुंडागर्दी और पटेल में कुछ नहीं रखा है, चलता है अपन। दिन गुजरने लगे, शंभू ने शादी बना ली और क्लब के बच्चों को केरम सिखाने का काम करने लगा। स्टाइगर को गन समझने का और गोटी को आतंकवादी, और पॉकेट उनके लिए नरक, आंख बंद करके उनपे निशाना लगा के गोटी को नरक में पहुंचाने का, बोले तो पॉकेट में, और हाथ पे पाउडर लगाने का, उससे पसीने नहीं आता है और ये स्ट्राइकर ना सूद इंगली जाता है। और एक बात ना हमेशा ध्यान में रखने का, कभी भी क्विंग लेने से पहले ना देख लेने का कि कवर है कि नहीं, अगर कवर है तो ही क्विंग लेने का। अपन बिल्डर के पास हफ्ता लेने गया था, उसने अपन को बटा दिया। इतना क्यों डाल रहे लिए? ए, खाते बत काय को डिस्टर्ब करेला है, इसको निवाला अटक गया तो? ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी बनिए की दुकान खोलनी पड़ेगी, पंटर लोग को देने के लिए पैसे नहीं है। अपन लोग को 60 बाकड़े का भाड़ा आता है, केबल टीवी का बिजनेस भी चल रहा है, इतना पैसा काफी नहीं है? कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है, हम लोग की गुंडागर्दी पे ग्रैंड लग गया है। इज्जत से मांगेगा तो काय को नहीं देंगे वो? अपन एक बार बात करके देखे। ए, तेरे को पुलिस का नौकरी दिलाया ना तो चुपचाप पुलिस गिरी कर, झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनकी सुनेंगे वो लोग? ए, तेरे को कंटा दूं क्या? जा संभाल। अपन लोग की बस्ती तोड़ के रोड ना बने उसके लिए हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये लो साइन करो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर रोड बना तो हम रोड पे आ जाएंगे। रोड रोकने के लिए अर्जी है, इस पे साइन कर दो। जाके शंभू से करा ले, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी तू है पद्मा, ट्यूशन भी चला रही लिए। साइन करना ले। शंभू। हाँ भाई। किधर भटक रहे ला? केरम क्लब में है भाई, बच्चे लोगों को सिखा रहे ला। तेरी माँ और पद्मा किधर है? क्या बात है भाई, तारा एसएससी में पास होगी इसलिए प्रोग्राम रखे ला। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अक्की फैलमी के साथ आना, और अगर कोई चूरन की गोली दिया ना तो बेटा समझ जा। उधर पे सेंथिल भी रहेगा क्या? हाँ रहेगा। अपन को कोई पहचान लिया तो? कोई तेरी चेहरा पट्टी किया ही नहीं था तो कैसे पहचानेगा? बुरा और सेंथिल के बीच में अपन बहुत जल्दी सिलेक्टमेंट कराने वाला है, वो रोड कंट्रैक्टर ने अपन से रिस्क्वेट किए, कल यही टॉपिक पे अपन बात करने वाला है। कोई लफड़ा तो नहीं होएगा ना? अपन के घर का प्रोग्राम है, कोई लफड़ा नहीं होएगा। अभी सभी लोग को भूरा भाई का दिल से स्वागत करने का। ये अच्छा है ना? हाँ वही तो। भूरा, उनके पास में है छुरा। छुकी क्या रुद्रा ठाते हैं वो तो ना? बाबा जी पीछे क्या भाई, हाथ देने अंदर आ जा। वो कंट्रैक्टर को अंदर बेटा। भाई शंभू आ गया। आ जा, जा। कैसा है छोटे? आ जा, जा। पूरा जमघट लगे ले। तुम भी चलो ना भाई। ले ना, पीना पीना पीना, उसको पीना ना, हल्ला गले में ये ले बांगड़े यार। भाई तुम बोलो सही किया कि गलत किया? इसमें बोलने का भाई ने बुलाया है। ओ भाई ऊपर है क्या? नहीं वो अंदर के कमरे में है। ये पद्मा ठीक है, अपन आ रहे हैं थोड़ा सा। वो कमरे में क्या? हाँ अंदर बैठा है। आ गया आ गया। क्या शंभू फैजा बेटा? कृपा बट बट। ए शंभू, वो फैजल का लड़का है ना हमीद, सुना है वो तेरा बहुत खास है। हाँ भाई बोलो ना क्या हुआ? बेटा वन रूम किचन लेते लेते पूरी जिंदगी निकल जाती है, अगर उसको फोकट में मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या कर क्या रहा है वो? बसंत नगर में हमारे पास मस्त फ्लैट है, अगर वो चाहे तो मैं उसे एक फ्लैट दे सकता हूँ। समझा नहीं भाई। अपन समझा था ना,
भारी ट्रक का आवन जावन करने के लिए ये भाई सड़क बना रहा है। वो सड़क तेरी बस्ती से गुजर रही है। अब सड़क पतली होने की वजह से बस्ती में बहुत लोग मरते हैं ना। सड़क चौड़ी हो गई कि तकलीफ खत्म। हमने सरकार से सारी परमिशन ले ली है। वो कान खजूरा सड़क रुकाने के लिए कोर्ट में अर्जी डाले ला है। वो ग्रेजुएट है इसलिए शाणा बन रहा है। शंभू वो हम लोग की बस्ती का है लेकिन तेरा दोस्त है इसलिए मोहब्बत से समझा रहा हूँ। ज्यादा चूचा करेगा तो डाल दूंगा। कल हम लोग की एक मीटिंग है उसमें सरकारी लोग भी आएंगे तो उसको वहां लेके आ। हम लोग मिलके उसको समझा देंगे। ठीक है भाई। चलता है। ठीक है जा। ये कर पाएगा? अरे बहुत बड़ा कराड़िया है। अटर्नी के जहाज के ड्राइवर को देखिए मत सोच के वो चला नहीं पाएगा उसको। बहुत बड़ा करु है वो। क्या बोले भाई? कुछ नहीं खाली बात हुआ और कुछ नहीं। सब ठीक है ना? ये बस का टांग बांग दुखेगी। चल सेंथिल भाई की फिरारी आ गई है। ए कुंदन, कुंदन इधर आ। सेंथिल भाई की हस्ती जिससे कभी हिल जाती थी बस्ती। हाँ जी जी। पद्मा को बोल इधर से चलने का। पद्मा पद्मा चल घर चल। चलो मैं चल। ठीक है जा। चल हरीश भाई अपन निकलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाने को बोल रहा था। अरे सारा सवाल इधर ही पूछेगी क्या? चलना अभी चलते हैं बाहर। ए शंभू अरे इधर कैसे? ए पकड़। भाई वो रुद्रा भाई ने बोला तू भी तो वहीं का है। सेंथिल भाई भी आए ले। हाँ तेरी औरत है? हाँ नमस्ते। आप भाई से मिलाता हूँ। तू इधर ही चुरक। आजकल भाई बहुत दुखी रहते हैं सिर्फ कैरम की बात पे ही हंसते हैं। तेरे को देख के खुश हो जाएंगे। भाई देखो दीदार को कौन आया है। खुद ही देखो ना। नमस्ते भाई। शंभू और बैठ छोड़े बैठ। कैसा छोड़े? शंभू मस्त कुर्सी पे बैठ। शंभू मेरी बीवी आवाज दे रही है। जा जब भाई अपन उसको बोल के आ रहे हैं। अच्छा और अभी भी खेलता क्या? क्या भाई? कैरम कैरम खेलता है? हाँ खेलता है ना। मेरे को देख खेल ही नहीं पाता। गोटी जाती ही नहीं मेरे से। अच्छा, अच्छा। अभी मेरा आधा बॉडी छुट्टी पे लकवा। तू खेल और नाम कमा। कोई तंग करे तो बोलना अपुन को। बॉडी आधा काम करता पन वट पूरा अपुन का। बहुत ठुमके लगा लिए। चलो अभी ठूसने चलो। ए वेलू जा खाना खा ले। क्या घूर रहा है बे? आज मेरे नहीं तो खुशी के मारे तो माता मंगल डालूंगा। खाना खाने के लिए आए हैं। चुपचाप बैठ जा अपनी कुर्सी पे। मारी का तेरे को। ए कुमार जरा गर्मी कम दिखा। बेटा तू अंडे में अभी चल बैठ बैठ उधर बैठ। ए शंभू किधर जा रहा है? वो अपन की औरत। चल बैठ इधर। गर्मा गर्मी हो रही और तू जा रहा है? भाई अपना औरत वेट कर। अरे थोड़ा रुकना। भोरा तो ठीक है। ठीक हूँ मैं पर मैं ठीक नहीं हूँ। जिसकी दहाड़ से शेर भी काम जाता था आज वो भीगी बिल्ली बने बैठा है। सब तेरी वजह से हुआ है। ए मारिया जो हुआ उसको बदकिस्मती समझ के भूल जाना। खुशी के मौके पर ये सब बात करके क्या फायदा? मेरा मर्द हैंडीकैप हो गया है मैं ये कैसे भूलेगी? महिला मंडल जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो पेट पूजा करो चलो। अरे क्या कर रहा है बैठ के? भाई शांति भाई ये शिवा उठना। भाभी को बैठने दे। इधर बैठ। बैठो भाभी बैठो। भाई मेरी बात सुनो। म्युनिसिपैलिटी का कुछ मीटिंग करने। अगर तुम दोनों मिल जाओ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और बस एक बार ये रोड बन जाए उसके बाद मैं तुम दोनों को एक अच्छी डील देने का वायदा करता हूँ। अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अपन कंप्रोमाइज के लिए रेडी है। तुम लोग को हरी हरी सूझ रही है। मेरा मर्द अपाहिज हुआ है। तेरा पति तेरे सामने जिंदा बैठा है ना ये बात तेरे जीने के लिए काफी है। ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा। देखिए उस 40 एकड़ जमीन की कीमत रोड बनते ही पूरे 100 करोड़ पहुंच जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हर एक को 5 करोड़ मिल जाएंगे। ये लोग ना इधर लड़ने के वास्ते ही बैठे हैं। कॉम्प्रोमाइज मुश्किल है। कॉम्प्रोमाइज में करेगी लेकिन जिसने मेरे मर्द पर हमला किया ना वो अपन को मांगता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि पुराने गिले शिकवे को मिटा के आगे बढ़ने का। तुम गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती हो। मेरे मर्द को देखकर मेरा जिंदगी कम हो गया है। मेरे को वो लड़का चाहिए बस। कौन सा लड़का चाहिए? 10 लोग ने हमला किया था। अभी अपने को क्या मालूम कि तेरे पति को किसने घुसेड़ा। ए कुछ भी मत बोल। आपन उधर ही था। अरुण ने अपन को फोन पे बताया था कि तुम लोग का एक खासम खास आदमी अपन के ब्लॉक में है। अरुण कुछ और बताता उससे पहले तुम लोगों ने उसको टपका डाला। अभी हम लोग को बता वो मनुष्य है कौन। हुरा इतना तो कंफर्म है कि वो तेरा गुंडा नहीं था। अगर तेरा गुंडा होता तो जगह पे मेरे मर्द को टपका देता। ये सब एक प्लानिंग है ताकि धंधा बंद हो जाए और मेरे मर्द का जो दबदबा है वो भी खत्म हो जाए। सही बोल रही है ना? मैं अपन को इंसाफ मांगता है। अगर ये लोग इतना बोल रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाते? आखिर परेशानी क्या है? सिर्फ उसका नाम ही तो बताना है। और पता है इसके बदले में हर एक के खाते में 5 करोड़ दिखाई देंगे। अरे इतना फायदा तो किसी बिजनेस में नहीं है जितना इसमें है। सोचो मत।
बच्चा अगर जांग पर पेशाब करता है तो क्या अपन जांग को काट के फेंक डालते हैं? नहीं ना, उसको धो के साफ कर देते हैं। अपन को कुछ नहीं मालूम, अपन को वो आदमी चाहिए बस। अरे क्या तोते की तरह रट्टा मार रही है? रट्टा नहीं मार रही है वो, उस आदमी के बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ए उसको हवाले कर दे वरना सबको काउंटर कर दूंगा। क्या बे ए बेलू, मेरा अंतर समझता है? बोला का प्रोग्राम है, कोई हवाले नहीं होगा। ए बेलू तू, मैं बात कर रहा हूं मेरी बात। ए समू चल जा तू। ए आराम से, ज्यादा आवाज नहीं। मैंने इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत की, सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ कभी रोड नहीं बनेगा। ए म्युनिसिपैलिटी, अक्का लफड़ा तेरे ही वजह से हो रहा है। ये सब क्या मगजमारी चल रही है? बताते हैं अपन, आपों ने भूरा का साथ देके सही किया कि गलत, आप उनको पता नहीं। जब उन्होंने हमलावर का नाम पूछा तो भूरा कान में तेल डाल के बैठा था। डर लगता है कहीं उसने आपों का नाम उगल डाला तो। तूने भूरा का साथ दिया, वो ऐसा नहीं करेगा। अरे अपन ये लोग को राजन दादा के टेम से जानता है, अपने प्रॉफिट के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। सेंथिल, भूरा, वेलू, रुद्रा और चंद्रा, इन सबको शंभू से जोड़ने वाला सिर्फ एक ही स्टार था, राजन। फोरेन से स्मगल किया हुआ माल यही तेज चलने वाली नावों से किनारे तक आता था, जिसे राजन मार्केट में लाकर बेचता था। और वो माल होता था टीवी, फोरेन की सिगरेट, फोरेन की दारू, जूते, जीन्स। अरे क्या भटक गया है क्या? राजन, नेताजी ने बुलाया है। बुरा, तू सारा माल गोडाउन में रखवा दे। ठीक है। रुद्रा, तू पुलिस स्टेशन में जाकर रमेश से मिल। आओ। ए अमित, कंचे के बजाय कैरम बोर्ड खेलेगा तो फायदे में रहेगा। ये आपके हाथ में क्या है? बाइना कूलर है रे, दूर का चीज पास में आ जाता है। अपन को भी दिखाओ ना। इसमें झांकेगा? हाँ भाई। ले पकड़।